अफगानिस्तान के बदलते हुए हालात को देखते हुए क्या भारत को भी अफगानिस्तान में सेना भेजना चाहिए? रशिया की IL-76 अपग्रेड पैकेज भारत के लिए कितना फायदेमंद होने वाला है? रशिया की तरफ से SU-57 की ट्विन सीटर वेरिएंट को बनाने का असली मकसद क्या होने वाला है? सुअरों की तरह भी माओवादियों की तरफ से भी ड्रोन्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया गया है, और अंत में आखिर किस वजह से रशियन S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को भी दुनिया का सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम नहीं कहा जा सकता है? ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडिया और अफगानिस्तान को लेकर है। जब से यूनाइटेड स्टेट की ट्रूप्स को अफगानिस्तान से वापस लिया गया है, उसके बाद तालिबान की पकड़ अफगानिस्तान में मजबूत होने लगा है और तालिबान धीरे धीरे अफगानिस्तान पर कब्जा करने की कोशिश करने लगा है। इसी बीच कई जगहों में ये खबर सामने आने लगा था कि क्या भारत अभी अफगानिस्तान में सेना भेजने वाला है, और आप में से बहुत सारे लोग यही कमेंट कर रहे थे कि अभी भारत को अफगानिस्तान में सेना भेजना चाहिए, क्योंकि अभी भारत की तरफ से अफगानिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट करके रखा गया और अभी तालिबान अगर उनको नष्ट कर देता है तो हमें काफी नुकसान हो सकता है, और हो सकता है आगे चल के चाइना इस बात का फायदा उठाकर अफगानिस्तान में अपनी पकड़ को मजबूत करने की कोशिश कर सकता है। साथ ही अभी पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादी संगठन भी तालिबान के साथ मिलकर अफगानिस्तान में अपनी कैंप्स को शिफ्ट करने की प्लानिंग कर रहे हैं, ताकि उनको इंडियन आर्मी या फिर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से किए जाने वाले कोई भी स्ट्राइक का डर ना रहे और वो अच्छे तरीके से अपने काम को वहां पे अंजाम दे पाए। इसी वजह से हमारे मैक्सिमम सब्सक्राइबर यही बोल रहे थे कि भारत को अफगानिस्तान की मदद करनी चाहिए, लेकिन अभी तक अफगानिस्तान की तरफ से ऑफिशियली भारत को सैन्य सहायता करने के लिए रिक्वेस्ट नहीं किया गया। अफगानिस्तान के एनवॉय की तरफ से आज मीडिया को बताया गया कि उनको अभी नेटो और यूएस की तरफ से भरपूर सपोर्ट किया जा रहा है, लेकिन अभी तक ऐसे सिचुएशन नहीं आए जहां पर उनको भारत से मदद लेने की जरूरत पड़े, लेकिन फ्यूचर में जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। और अभी सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर फ्यूचर में कभी अफगानिस्तान मुश्किल में आके भारत को मदद मांगता है तो तब भारत की तरफ से क्या डिसीजन लिया जाएगा, क्योंकि अभी पाकिस्तान के लगभग 10,000 आतंकवादी अफगानिस्तान में घुसपैठ कर चुके हैं जो कि फिलहाल तालिबान के साथ मिलकर लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन आगे चल के ये जरूर भारत को भी टारगेट करने वाले हैं। और अभी रिसेंटली एनकाउंटर में मारे गए एक सुअर का तालिबान के साथ लिंक पाया गया है, जिसको पुलवामा हमले की मास्टरमाइंड माना जाता है, और ये झंडे मोहम्मद सुअर प्रोडक्शन फैक्ट्री के लीडर आगे चल के मरने वाला अजहर का करीबी रिश्तेदार था। मैं इसका नाम बताना नहीं चाहता हूँ क्योंकि फोकट में इनको पब्लिसिटी देने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि ये कोई ओलंपिक में मेडल जीतने वाला नहीं था जिसका नाम आपका जानना जरूरी है। सुअर था, मारा गया, बात खत्म। वैसे इसका नाम भी कोई अच्छा खासा नहीं था, सम टाइप ऑफ हुल्ला मुल्ला था, लेकिन अगर तालिबान इनको सपोर्ट कर रही है तो आगे चल के अगर अफगानिस्तान में तालिबान का राज होता है तो इसके लिए अभी से हमको सतर्क होने की जरूरत पड़ने वाली है, और मेरे हिसाब से इस पर लिया जाने वाला कोई भी डिसीजन ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा मुश्किल जियोपॉलिटिकल डिसीजन होने वाला है। अगला अपडेट रशिया की तरफ से। रशिया की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन की एक सब्सिडरी कंपनी OJIC-2 की तरफ से अभी IL-76 एयरक्राफ्ट को अपग्रेड करने के लिए एक नए अपग्रेड पैकेज को डेवलप किया गया है। यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के डिप्टी डायरेक्टर सर्जे यारोकोव की तरफ से मीडिया को बताया गया कि उन्होंने अभी IL-76 एयरक्राफ्ट की फ्लीट के लिए एक अपग्रेड पैकेज को डेवलप किया है, जिसे अभी इन एयरक्राफ्ट की सभी ऑपरेटर को ऑफर किया जाएगा, और अभी IL-76 और IL-78 एयरक्राफ्ट की सभी ऑपरेटर्स को इस अपग्रेड पैकेज को ऑफर किया जाने वाला है, जिसमें सभी कस्टमर को एक वाइड वैरायटी के पैकेज का ऑफर दिया जाएगा, जिसमें से वो अपने हिसाब से अपने एयरक्राफ्ट को कस्टमाइज कर सकते हैं। मेरे हिसाब से जो अपग्रेड पैकेज अभी होने वाला है ये मेनली एवियोनिक्स के ऊपर बेस्ड करके होने वाला है, लेकिन रशिया मेनली इनको मिडिल ईस्ट कंट्री और एशियन नेशन को ऑफर करने वाला है। और एशिया में भारत की बात करें तो हमारे पास अभी लगभग 26 के आसपास IL-76 एयरक्राफ्ट मौजूद है, जिनमें से 17 इसकी MD वेरियंट है, 6 IL-78 एरियल टैंकर है और 3 हमारे अवेक्स प्लेटफॉर्म में इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी इंडियन एयरफोर्स पहले से अपने IL-78 टैंकर की ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट को लेकर काफी परेशान रहती है, क्योंकि इनकी सर्विस एबिलिटी काफी अच्छा नहीं है। तो अगर रशिया यहाँ पर इस नए अपग्रेड पैकेज के साथ भारत को बेहतर मेंटेनेंस और स्पेयर पार्ट और सपोर्ट पैकेज को ऑफर कर पाता है तो ये भारत के लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि हमारे पास पहले से एरियल टैंकर की कमी है और ऊपर से IL-78 एयरक्राफ्ट की जो सर्विस अवेलेबिलिटी है वो 50% से कम रहता है, जो कि मिनिमम 70% के आसपास होना चाहिए। अगला अपडेट SU-57 को लेके।
अब यूनाइटेड स्टेट की F-22, F-35 और चाइना की J-20 के बाद अगर कोई ऑपरेशनल फिफ्थ जनरेशन फाइटर है तो वो रशिया की SU-57 है। वो बात अलग है कि इसके स्टेल्थीनेस को लेके सवाल किया जाता है और इसी वजह से भारत की तरफ से भी इनिशियल इसको पसंद नहीं किया गया था और बाद में भारत 2018 में इसकी डेवलपमेंट से पीछे हट गया था। लेकिन तब जब FGFA प्रोग्राम चल रहा था तब भारत की तरफ से रशिया को इसके एक ट्विन सीटर वेरिएंट को डेवलप करने के लिए कहा गया था, लेकिन रशिया की तरफ से इसकी ट्विन सीटर वेरिएंट ना बनाकर सिंगल सीटर वेरिएंट को ही डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा था। अभी कुछ ही दिन पहले एक अपडेट सामने आया था जिसमें ये बताया गया था कि रशिया अभी इसकी ट्विन सीटर वेरिएंट को डेवलप कर रहा है और तब ऐसा लगा था कि शायद अभी रशिया की तरफ से इसको भारत को अट्रैक्ट करने के लिए किया जा रहा और वो भी भारत को इसको बेचने के लिए इसकी एक ट्विन सीटर वेरिएंट को डेवलप कर रहे हैं। लेकिन आज टास की तरफ से बताया गया कि रशिया की तरफ से अभी इसकी जो ट्विन सीटर वेरिएंट को डेवलप किया जा रहा है इसको कुछ और ही इरादे से डेवलप किया जा रहा है। आपको याद होगा मार्क्स 2021 एयरशो के दौरान रशिया की तरफ से ये बताया गया था कि SU-57 को अभी काफी अपग्रेड किया गया है और इसका जो ऑनबोर्ड कंप्यूटर सिस्टम लगा हुआ है उसको सेकंड पायलट कहा जा रहा था, यानी कि इतना एडवांस सिस्टम है ये खुद एयरक्राफ्ट को ऑपरेट कर सकता है। इसी बीच रशिया SU-57 को अभी एक मदरशिप के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है और इससे आगे चल के वो ड्रोन्स को ऑपरेट करने की प्लानिंग कर रहे हैं और खास करके इसी वजह से रशिया अभी SU-57 की एक ट्विन सीटर वेरिएंट को डेवलप कर रहा है जिसमें जो पहला वाला पायलट रहेगा वो SU-57 को उड़ाने वाला और जो दूसरा पायलट रहेगा वो ड्रोन्स को ऑपरेट करने वाला है। और रशिया अभी SU-57 के साथ अपनी ओखतनिक ड्रोन्स को डिप्लॉय करने की प्लानिंग कर रहा है जो कि भारत की घातक UCAV कैटेगरी के अंदर आता है, लेकिन इसकी रेंज काफी ज्यादा है और ये एक ही बार में लगभग 6000 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर कर सकता है और साथ ही ये अपने साथ लगभग 2 टन के आसपास पेलोड को कैरी कर सकता है। वैसे स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को जानबूझकर सिंगल सीटर ही बनाया जाता है क्योंकि कॉकपिट को ज्यादा बड़ा करने से वहां पे रडार क्रॉस सेक्शन थोड़ा इंक्रीज हो जाता है, लेकिन फिर भी रशिया यहां पर SU-57 का एक ट्विन सीटर वेरिएंट को डेवलप कर रहा है ताकि इससे ड्रोन को ऑपरेट किया जा सके। साथ ही चाइना की तरफ से भी अपनी J-20 फाइटर जेट की एक ट्विन सीटर वेरिएंट को डेवलप करने की बात सामने आई है। अगला अपडेट ड्रोन्स को लेकर, अभी तक हमारे सामने एक प्रॉब्लम ये था कि पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन्स की मदद से बॉर्डर पार से हथियार और गोला बारूद को इस तरह मौजूद स्वरों को सप्लाई किया जा रहा था, फिर अभी ड्रोन्स की मदद से सुइसाइड अटैक भी करना शुरू कर दिया गया जिनको अभी काउंटर करने के लिए हमारे तरफ से एंटी ड्रोन सिस्टम को एक्वायर करने की कोशिश किया जा रहा है। लेकिन ये सब बाहर के खतरे थे पर अभी सेम सिचुएशन अंदरूनी हिस्सों में शुरू हो चुका है और जिस तरीके से ये सुअर लोग ड्रोन्स की मदद से हमारे ऊपर स्ट्राइक कर रहे थे ठीक वैसे ही देश के अंदर मौजूद माओवादियों की तरफ से भी अभी ड्रोन्स को भी सेम तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश किया जा रहा है। और अभी महाराष्ट्र की पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से बताया गया कि छत्तीसगढ़ की बॉर्डर के आसपास माओवादियों की तरफ से अभी छोटे साइज के ड्रोन को सर्वेलेंस के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और हालांकि वो पाकिस्तानियों की तरह बड़े साइज के ड्रोन का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे क्योंकि उनको तो चाइना की तरफ से माल आसानी से मिल जाता है, लेकिन माओवादियों तक चाइनीज एग्रीकल्चर ड्रोन आसानी से नहीं पहुंच सकते। इसी वजह से माओवादियों की तरफ से अभी शादी वगैरह में इस्तेमाल करने वाली वीडियो शूटिंग ड्रोन्स को सर्वेलेंस के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अब हालांकि अभी वो इनको वेपनाइज करके इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, लेकिन अभी वो इसको एक सर्वेलेंस प्लेटफॉर्म के तौर पर इस्तेमाल करने लगे हैं और इसकी मदद से हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस की लोकेशन का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले 4 से 5 महीनों के अंदर ऐसे 7 से 8 बार ड्रोन्स को स्पॉट किया जा चुका है जिस वजह से अभी पैरामिलिट्री फोर्सेस की तरफ से भी एंटी ड्रोन सिस्टम को एक्वायर करने का प्रस्ताव दिया जा रहा है। अगला अपडेट इंडिया और इंडोनेशिया को लेके है। इंडियन नेवी की तरफ से अपने ट्विटर हैंडल में बताया गया कि भारत और इंडोनेशिया की नेवीज के बीच अब एक कोऑर्डिनेट पेट्रोल मिशन को किया गया है। नॉर्मली इनको कॉर्पोरेट एक्सरसाइज कहा जाता है जिसमें दोनों देशों की नेवीज एक साथ मिलकर ज्वाइंट पेट्रोलिंग मिशन को करते रहते हैं और एक तरीके से भारत और इंडोनेशिया के बीच ट्रेडिशन सा बन गया क्योंकि सबसे पहले ऐसे एक्सरसाइज को 2002 में करना शुरू किया गया और तब से साल में 2 बार दोनों देशों की नेवीज की तरफ से इंटरनेशनल बाउंड्री पर ज्वाइंट पेट्रोलिंग को की जाती है। ऐसे मिशन में मेनली स्मगलिंग एंटी पायरेसी जैसे एक्टिविटी को रोकने की कोशिश की जाती है ताकि हमारी जो शिपिंग लेन है उनको सुरक्षित रखा जा सके। इसमें नॉर्मली बड़े वॉरशिप पार्टिसिपेट नहीं करते और नॉर्मली दोनों तरफ से ऑफशोर पेट्रोल वेसल को इसमें डिप्लॉय किया जाता है। इस बार इसमें इंडियन नेवी की तरफ से INS सारियू पार्टिसिपेट कर रहा था और साथ ही इंडोनेशियन नेवी की तरफ से इसमें KRI बुंगतोमो पार्टिसिपेट कर रहा था और इसे 30 और 31 जुलाई के बीच कंडक्ट किया गया था। अगला अपडेट S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को लेके,
अब तक आपको पता होगा कि रशिया की S-400 एयर डिफेंस सिस्टम दुनिया का सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है और ये सबसे ज्यादा दूरी तक मार करने वाला एयर डिफेंस सिस्टम है। यानी कि अगर कोलकाता में रहने वाले हमारे सब्सक्राइबर अपने छत के ऊपर एक या दो S-400 सिस्टम को खरीद के लगा लेते हैं तो ये मेरे घर के ऊपर उड़ने वाले प्लेन को भी आसानी से मार के गिरा सकता है। लेकिन अभी शायद S-400 सिस्टम का दबदबा खत्म होने वाला है, यानी कि ये दुनिया का सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम आगे चल के नहीं रहने वाला है। लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं है क्योंकि इसको रिप्लेस करने वाला जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो भी इसी का सक्सेसर है जिसको S-500 सिस्टम कहा जाता है। इसका रिस्पांस टाइम S-400 सिस्टम के मुकाबले लगभग आधा है और ये बस 4 से 5 सेकंड के अंदर ही रिस्पॉन्ड कर सकता है। साथ ही इसकी रेंज भी 600 किलोमीटर तक है और ये लगभग लोअर अर्थ ऑर्बिट में घूमने वाले टारगेट को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है, यानी कि हम सैटेलाइट को भी इससे मार के गिरा सकते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले इसको लेके कुछ रिपोर्ट सामने आया था जिसमें ये बताया गया था कि रशिया की तरफ से इसकी फाइनल टेस्टिंग किया जा रहा है और जल्दी इसको रशिया की तरफ से अपने एयरफोर्स में शामिल करने का फैसला किया जाने वाला है। आज इसको लेके एक रिपोर्ट सामने आया जिसमें ये बताया गया कि 20 जुलाई से इसकी लाइव और फाइनल टेस्टिंग को किया जा रहा था, जिसके बाद अभी रशियन एयरफोर्स की तरफ से फॉर्मल इसके लिए ऑर्डर को प्लेस किया गया है। रशियन क्लेम के मुताबिक स्टेल्थ टारगेट को भी डिटेक्ट और डिस्ट्रॉय कर सकता है। साथ ही इसकी अल्ट्रा लॉन्ग रेंज इंटरसेप्टर मिसाइल की वजह से दुश्मन की हाई वैल्यू टारगेट को जैसे कि एवेक्स हो गया, फिर टैंकर हो गया, उनको भी मार के गिरा सकता है। मान लो हमारा S-500 सिस्टम पाकिस्तान की बॉर्डर से 100 किलोमीटर अंदर मौजूद है, लेकिन फिर भी पाकिस्तानी एयर स्पेस में उड़ने वाले एवेक्स को हम इजीली टारगेट करके मार के गिरा सकते हैं, जिससे पाकिस्तान के जो फाइटर जेट रहेंगे वो कम्प्लीटली ब्लाइंड हो जाएंगे और साथ ही वो जो फाइटर जेट रहेंगे उनको भी हम आसानी से मार के गिरा सकते हैं। अब भारत की बात करें तो भारत रशियन एयर डिफेंस सिस्टम का एक पुराना रेगुलर ऑपरेटर रहा है, तो उम्मीद किया जा सकता है कि आगे चल के भी रशिया की तरफ से भारत को S-400 सिस्टम को खरीदने के लिए ऑफर किया जा सकता है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।